If you want to be happy, be. Hello learners, how are you all? Hope you are doing great. Welcome back to our YouTube channel, The Intent Learner. This is 43rd part of our homophone series. As you know that we discuss daily one pair of homophones words. So let's see our today's pair of word, which is hail, and second word भी है hail. इसमें क्या difference है? First word है H-A-I-L hail और दूसरा word है H-A-L-E hail. तो चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है एच ए आई एल हेल. हेल का मतलब होता है ओला और इसका एक और मतलब होता है बौछार. आप इसके लिए सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, इट स्टार्टेड टू हेल ह्यूज स्टोन्स. तो इस तरह से आप अपना हेल वर्ड सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. अब चलिए देखते हैं सेकेंड वर्ड जो कि एच ए एल ई हेल. हेल का मतलब होता है हट्टा कट्टा, जिसको तंदुरुस्त कहते हैं. सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आई वॉन्ट टू सी हिम रिमेन हेल एंड प्रॉस्परस. यहाँ पे वर्ड आया H-A-L-E हेल. इसका मतलब होता है तंदुरुस्त. आई वॉन्ट टू सी हिम रिमेन हेल एंड प्रॉस्परस का हिंदी में मतलब हुआ कि मैं उसको हट्टा कट्टा और समृद्ध देखना चाहता हूँ. तो इस तरह से आप अपने दोनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द इंटेंट लर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.